दोस्तों, कंप्यूटर के कॉमन टर्म्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी टेस्ट में IBA 5 से 15 स्केल SSD के, जब जैसे कि हम प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ये आ जाता है कि वेब ब्राउज़र क्या है, व्हाट्स ब्राउज़र, ब्राउज़र भी आ जाता जो है वो आ जाता है। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट पर कोई वेबसाइट, वेब एड्रेस या URL को एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस है उस वेबसाइट का जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे गूगल वालों की अगर हम वेबसाइट को एक्सेस करें तो हम www.google.com लिखेंगे, इसको हम वेब एड्रेस कहेंगे गूगल वालों का या URL कहेंगे। सर्वर क्या है? जो सर्विसेज प्रोवाइड करे वो सर्वर है, और जो सर्विसेज हासिल करे उसको हम क्लाइंट कहेंगे। जैसे हम google.com पे जाकर वहाँ पे चीज़ें सर्च करें, जो हमें सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है गूगल, उसको हम सर्वर करेंगे, और जो हमारा मोबाइल है जो उसे सर्विसेज ले रहा है वो क्लाइंट है। तो उम्मीद है कि सर्वर और क्लाइंट भी आप समझ गए होंगे। सोशल मीडिया, टेलीविज़न, फेसबुक, न्यूज़पेपर जो है वो 3 मीडियम्स हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। तो आपसे ये भी पूछा जाता है विच ऑफ़ द अमंग इज़ अ सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइट, तो आपने ये जो है वो होना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इनको जो है वो हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। सर्च इंजन क्या है? अब अगर मुझे डाइजेशन सिस्टम पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ पर ये मुझे वीडियो मिलेगा, तो मैं सर्च इंजन यानी गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, मैं वहाँ पर जाकर कोई भी चीज़ सर्च करूँगा, वो चीज़ें खुद जो है वो सर्च इंजन ढूंढ के लाएगा मेरे लिए कि फ़िलहाल वेबसाइट पर ये चीज़ पड़ी है, तो उसको हम कहेंगे सर्च इंजन, जो हमारी हेल्प करे हम उस चीज़ें सर्च करने में। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन है इंफॉर्मेशन को हाइड करना, ताकि आपके और आपके दरमियान का जो दूसरा बंदा है वो ये ना समझे। बड़े जो बादशाह होते थे पुराने ज़माने में, वो अपने उसको चीज़ों को कोड में लिखते थे, ताकि जो बीच वाला कासिद है जो कि पैगाम को लेकर जाता है वो ये जो है वो ना समझे। जैसे मैं किसी दोस्त को प्राइवेटली मीट करूं, उनसे मिलूं और कहूं कि भाई आइंदा जब मैं आपको मैसेज करूं, मैं आपको अगर बी लिखूं तो उसको आप एक लेटर आगे समझ कर पढ़ें, आप उसको सी समझें। अगर मैं के लिखूं तो आप उसको एल समझें, अगर मैं एम लिखूं तो आप उसको एन समझें। तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, फिर जो है वो उसमें डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, ताकि जो बीच वाला आदमी हो, जैसे कंप्यूटर में भी, नेटवर्किंग में भी इंक्रिप्शन यूज़ होता है, ताकि जो हैकर है वो ये चीज़ें ना समझे कि हम आपस में जो दोस्त हैं वो आपस में क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर जब इंसानों की तरह डिसीशंस बनाना शुरू करें, जब वो जो है वो हमें किसी काम के लिए मशवरा दें, जैसे ChatGPT आपने देखा होगा कि उसको हम एक इंसान के तौर पर डील करते हैं, और वो अगर कोई भी हमें मसला हो मेडिकल के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, वो उनसे हम डिस्कस करते हैं, कोई भी चीज़ सीखना हो तो वो जो है वो हमें अच्छी तरह से करता है रिस्पॉन्ड। कंप्यूटर की वो सलाहियत जो इंसानों की तरह हमें डील करे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। सिमुलेशन भी एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, कॉमन टर्म है। जैसे अगर हमें साइकिल सीखना हो तो हम साइकिल से गिरकर जो है वो एक दो दफ़ा सीख जाएंगे, लेकिन अगर हमें पायलट बनना है तो जहाज़ से जो गिरना है वो तो उसके नहीं है चांसेस के, इतना बड़ा खर्चा आ जाएगा। तो सिमुलेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक ख्याली उसमें हमें रखा जाता है, हम समझते हैं कि जैसे हम किसी जहाज़ में बैठे हों लेकिन वो इमेजिनरी होता है, तो इस तरह के उस ख्याली उसमें स्क्रीन के सामने हमें बिठाकर कोई स्किल सिखाया जाए, तो इसको कहते हैं सिमुलेशन। ये IBA सखर के पिछले दफ़ा के टेस्ट में आया है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर वो हैं जो हमें कोई इश्तिहार बनाने में काम आए, जैसे अडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, और इस तरह से दूसरे जो है वो हैं सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर कॉमनली यूज्ड टर्म का इधर हमने ऑनलाइन MCQ टेस्ट भी रखा है। वीडियो के बाद जो है वो ये आप ऑनलाइन टेस्ट देकर मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। थैंक यू।